नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का जो चौथा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें विश्व की जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। और इस अध्ययन में हमने आयु संरचना और लिंगानुपात के बारे में पहले चर्चा की थी। आयु संरचना में तीन आयु वर्ग रखे गए थे, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और उसके बाद में 65 से ऊपर वाला वृद्ध वर्ग, है ना। तो ये तीन वर्ग रखे गए थे। लिंगानुपात के अंदर स्त्रियों की स्थिति के बारे में हमने बात की थी। आज इसी तारतम्यता के अंदर हम आगे अध्ययन कर रहे हैं विश्व की जनसंख्या का संगठन। ठीक है, विषय क्या है? जनसंख्या गठन। अब विश्व की जनसंख्या संगठन में है क्या? दरअसल में जो विश्व जनसंख्या संगठन की हम बात करें, तो उस संगठन में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। क्या है? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात है विश्व जनसंख्या संगठन में। क्या है? ग्रामीण और जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का आपस में जो अनुपात है एक भौगोलिक क्षेत्र का, उसको जनसंख्या संगठन में शामिल करते हैं। अब यहां बात यह आती है कि ग्रामीण क्या है, ग्रामीण क्या है और नगरीय क्या है, नगरीय क्या है, इन दोनों बातों पे अपने बात कर। तो आप बता सकते हो, कोई भी ऐसा हो जो ये बता दे कि ग्रामीण क्या है और नगरीय क्या है। तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो शरारती भी होते हैं, तो कई बार एक बात बोल देते हैं कि जी गांवों में रहने वाले ग्रामीण हैं और जो शहरों में या नगरों में रहते हैं वो नगरीय है। ऐसा नहीं है, हमें इसका भूगोल की दृष्टि से तुलना करनी है। कैसे तुलना करनी है? ग्रामीण जनसंख्या वह है जो कृषि कार्यों में या प्राकृतिक, जो प्रकृति से जुड़े हुए कार्य हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं या प्रकृति से जुड़े हुए कार्य, या उसको छोटे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न लोग हैं और उसका 80% से अधिक है। प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न लोग हैं और वो कुल जनसंख्या का 80% से अधिक हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। जैसे उसमें क्या क्या शामिल करोगे? नंबर एक, आखेट, जो प्राचीन समय से मानव जो आखेट करता है। आगे हम अगले अध्यायों में इनके बारे में खुलकर के विचार बातें पढ़ेंगे, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। ठीक है, भोजन संग्रहण, जो प्राचीन समय से मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए कुछ भोजन संग्रहण करके रखता था। कृषि, कृषि कौन सी? आदिम कृषि, जो स्थानांतरित कृषि बताई थी, जो झूमिंग है, मिल्पा है, पेंडा है, चेना है, वो कृषि। ठीक है, पशुचारण, जो अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ में घूम घूम करके एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पशुओं को पालता था, जानवरों को पालता था, वो। मछली पकड़ना, जो एक आखेट का ही प्रचलन है, जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए नदियों से, तालाब से मछली पकड़ लाया और अपना जीविक उदर पूर्ति के लिए अपना काम चलाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया उसने। ठीक है, और खनन कार्य, खनन कार्यों के अंदर जो भूमिगत अपने खनन कार्य करते हैं, वो कार्यों में लगे हुए लोग, ये सारे के सारे जो प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं, ये सब अगर 80% से किसी क्षेत्र के अंदर, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राथमिक क्रियाओं के लोगों की 80% से अधिक संख्या है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शामिल होता है, नगरीय में नहीं होता। अब नगरीय क्या है? नगरीय क्षेत्र वह है जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में लोग 80% से अधिक लगे हुए हों। अब द्वितीयक क्रिया क्या है? जो प्राथमिक उत्पाद आया, जो कच्चा माल आया हमारे पास में, प्राथमिक क्रियाओं में जो लगे लोग हैं वो कच्चे माल के उत्पादक हैं, वो तैयार नहीं करते, परिष्कृत नहीं करते उस माल को। ठीक है ना, अब जैसे खेत से गेहूं आया तो वो कच्चा माल है, और बिस्किट बन गया तो वो द्वितीयक क्रिया के अंदर शामिल हो गया, वो परिष्कृत हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। ठीक है ना, उससे नया उत्पाद बन गया, नया उत्पाद निकल गया,
और हम गेहूं को सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कच्चा माल है। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रों के अंदर द्वितीयक जो कच्चे माल को परिष्कृत करते हैं, जैसे उद्योग आ गए, जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं, वो सब के सब द्वितीयक क्रियाओं में शामिल होते हैं। और प्रशासनिक क्रियाएं जितनी भी हैं, वो चाहे भले व्यापार की हो, बैंक की हो, शिक्षा की हो, या कोई भी क्षेत्र का कार्य है, ठीक है ना, बिजली व्यवस्था है, गैस व्यवस्था है ना, ये सब साफ सफाई व्यवस्था है, ये सारी की सारी जो प्रशासनिक इकाइयाँ जिसमें आती हैं, चाहे वो सुरक्षा का हो, है ना, तो वो सारा का सारा तृतीय क्रिया में आता है। तो जिस क्षेत्र की, एक भौगोलिक क्षेत्र की 80% से अधिक जनसंख्या द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं में संलग्न हो, और जहाँ भौतिक सुविधाएं ज़्यादा हो, जैसे परिवहन की सुविधा हो, है ना, जल की सुविधा हो, विद्यालयों की अच्छी सुविधा हो, हाई एजुकेशन जो होती है उनकी बढ़िया व्यवस्था हो, चिकित्सालयों की अच्छी व्यवस्था हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, है ना, ऐसे क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। आई बात उनमें, तो इस प्रकार से हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हम विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें, तो विश्व की कुल जनसंख्या जो है उसका 50% से अधिक, कितना, 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में रहती है। विश्व की कुल जनसंख्या जो है, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, 714 करोड़ थी ना, जो 7 अरब से ऊपर है, तो 7 अरब से ऊपर जनसंख्या का 50%, मतलब 3.5 अरब से ऊपर की जनसंख्या नगरों के अंदर रहती है। ठीक है ना, ये विश्व का एक अनुमान है, अपना आंकड़ा है जो अपने पास में है। फिर नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, वो 6% की बढ़ोतरी हो रही है। टोटल जो नगरीय जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना, वो 6% की हो रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये वृद्धि जो है वो बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि है ना, वो बहुत कम है, वो सिर्फ दुगनी ही है, लेकिन नगरीय जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो 6% हो रही है प्रतिवर्ष, और ये ग्रामीण जनसंख्या से 3 गुना अधिक है। ये ध्यान रखना, जो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दर से 3 गुना अधिक है। नगरों में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार नगरीकरण हो रहा है, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नगरों में जा करके रहूं, और वो क्या कहलाता है, जनाकीय संक्रमण, जो हमने पिछले अध्याय में किया था, जनाकीय संक्रमण ये हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो अपने पास में एक कुछ बातें निकल करके आई है ना, जनसंख्या संगठन के अंदर। अब जनसंख्या संगठन के अंदर अगर हम बात करें नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की, तो सबसे पहले अपने एशिया महाद्वीप को देखते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर 38% जनसंख्या, कितनी, 38% जनसंख्या क्या है, नगरीय है। ये देखिए नगरीय, ठीक है, और ये कौन सा आ गया अपना, एशिया, एशिया महाद्वीप, और यहां लिख देते हैं अपने ग्रामीण। अब जी 38% जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, नगरीय है, जबकि 62% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। इसका मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर गांवों के अंदर लोग ज्यादा रहते हैं, और भारत के लिए है, तो एक बात महात्मा गांधी जी ने कही थी ना, मैंने आपको पीछे बताई थी पिछले अध्याय में, कि भारत की आत्मा कहाँ रहती है, गांवों में रहती है, और भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या भारत की कृषि पर आधारित है, और कृषि मानसून का जुआ है भारतीय कृषि। अब तो फिर भी सिंचाई की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से बहुत सारे क्षेत्र के अंदर शुरू हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं आज भी, इसीलिए मानसून अगर प्रभावी रहता है तो कृषि फसलें अच्छी होती हैं, कृषि उत्पाद अच्छे होते हैं, और अगर मानसून प्रभावी नहीं रहता तो कृषि फसलें बहुत कम होती हैं। इसलिए कृषि प्रधान देश हैं, ग्रामीण प्रधान देश हैं भारत। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करें हम लोग, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 38% जनसंख्या क्या है, नगरीय है, ठीक है, और 62% जनसंख्या ग्रामीण है। अब यहाँ एक बात बड़ी अचरज वाली है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप बड़ा शाबाश, बड़ा ट्रैक से बता रहे हो, एशिया। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका।
ये दोनों बड़े महाद्वीपों के अंदर मात्र 38-38% जनसंख्या नगरीय है और 62-62% जनसंख्या ग्रामीण है। इसका मतलब ये दोनों ही महाद्वीप ग्रामीण प्रधान जनसंख्या वाले, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर अपने यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर ये आंकड़ा बढ़कर के 75% हो गया। कितना हो गया? 75%, ठीक है। और मात्र 25% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण है। यही आंकड़ा दक्षिण अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका के अंदर यही 75% और 25%, ठीक है। यहां एक बात और बड़ी मजेदार निकल के आएगी, बताऊंगा आपको। उत्तरी अमेरिका के अंदर ये आंकड़ा 70% 77 और मात्र 23% ग्रामीण। ओशेनिया महाद्वीप में, ओशेनिया महाद्वीप कौन सा है? शाबाश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके द्वीप समूह है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप इन चीजों को बिल्कुल पका लो। ओशेनिया क्या है, यूरेशिया क्या है, ये सब बार बार आएंगे आपके, ठीक है। 70% जनसंख्या क्या है? नगरीय है। और 30% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण है। अब देखिए ये दोनों महाद्वीप क्या है? ग्रामीण प्रधान है और इनमें ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन यहाँ एक बात बता देता हूँ, अपने जैसे गांव हैं वैसे गांव यहाँ नहीं है। यहाँ सारी सुविधाएं नगरीय हैं, लेकिन हैं वो क्योंकि उनमें कृषि कार्यों के अंदर संलग्न ज्यादा है या अन्य जो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं या प्रकृति से जुड़े हुए हैं उन कार्यों में लोग ज्यादा लगे हुए हैं, इस कारण से उनको गांव कहते हैं, वैसे गांव जैसा नहीं है। ये ध्यान रखना, शहर में ही आते हैं। ये विकसित राष्ट्रों की बात है, जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी बात है ये, और ये विकसित महाद्वीपों वाले क्षेत्र आ गए जिनमें ऐसा है, ठीक है। तो अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती हैं, सबसे ज्यादा नगरों के अंदर निवास करने वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ये प्रश्न भी आएगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी आपको याद करने हैं, इन सारणी को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से उतार लिया करो। अब यहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होने का कारण है कि शिक्षा का स्तर बहुत कम है, आर्थिक स्तर बहुत कम है, औद्योगिक इकाइयों का स्तर बहुत कम है, इस कारण से यहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। जबकि यहाँ औद्योगिक इकाइयों का स्तर बहुत अच्छा है, आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और जनसंख्या इन क्षेत्रों में कम है, इन देशों में, इन महाद्वीपों में, क्योंकि ये विकसित महाद्वीपों में शामिल होते हैं, ठीक है ना। इस कारण से क्या है कि यहाँ नगरीय जनसंख्या अधिक है और ग्रामीण जनसंख्या कम है। ये बात क्लियर, उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। अगर हम सन 1800 ईस्वी की बात करें, अगर हम 1800 से सन 1800 से बात करें हम, तो जो सन था 1800, उस समय विश्व की मात्र 2.5% जनसंख्या जो थी वो नगरों में रहती, नगरीय। 1800 के अंदर जनसंख्या विश्व की मात्र 2.5% नगरों में थी। 1960 में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा और 35% हो गया। कितना हो गया? 35% नगरीय जनसंख्या का हो गया। 1999 में ये आंकड़ा बढ़ा और बढ़कर के कितना हुआ? 45%। मतलब अब यहां से द्रुत गति से बढ़ने लगा, है ना। इतने वर्षों के अंदर तो मात्र 35% तक पहुंचा और इनमें एकदम ही थोड़े से वर्षों के अंदर ही बढ़कर के कितना हो गया? 45% हो गया। और 2004 में अब और भी तीव्र गति से बढ़ा। 2004 तक जो आंकड़ा देखें हम और वर्तमान समय का देखें तो 50% से अधिक हो गया। ये था जनसंख्या। अब 1960 से 2000 तक की अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? 80 करोड़ से 290 करोड़ तक हो गई। अगर 1960 से 2000 तक की जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की अगर हम बात करें तो 80 करोड़ से 1960 में 80 करोड़ थी वो बढ़कर के 290 करोड़ हो गई। इसका मतलब
तीन गुना वृद्धि हुई उस जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या के अंदर तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई नगरीय जनसंख्या में, लगातार बढ़ोतरी। ये चीज ध्यान रखना आप, खतरनाक बात है। और जनसंख्या के अंदर जो अब जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या हुई उसमें तो कितनी वृद्धि हुई, तीन गुना हुई, ठीक है ना। और 1960 से 2000 तक की अगर हम जनसंख्या की बात करें, विश्व की जनसंख्या की बात करें, तो उस समय तक जो जनसंख्या बढ़ी वो 3 अरब से 6 अरब हुई, और अब वर्तमान में 7 अरब है, तो मात्र दुगनी हुई है। इसके अंदर जो वृद्धि हुई वो दुगनी हुई, और इसके अंदर तीन गुना वृद्धि हुई। इसका मतलब नगरीय जनसंख्या की ओर प्रसार ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां रोजगार के साधन ज्यादा हैं, संसाधनों का उपयोग ज्यादा है, सुख सुविधाएं ज्यादा हैं, भौतिक जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा है ना। इस कारण से नगरीय जनसंख्या की ओर सबसे ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रही है नगरीय जनसंख्या। अब अगर एक अनुमान की हम बात करें, एक अनुमान की अगर हम बात करें, तो उस अनुमान के तहत जो है आंकड़ा निकल करके आ रहा है वो विश्व का 2025 तक 61% जनसंख्या, यूएनओ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एक अनुमान है कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या का 61% भाग क्या हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या में बदलाव आ जाएगा, वो नगरीय जनसंख्या के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। विश्व की 2025 तक 61% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 61% भाग कितना हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर यहाँ नगरीय जनसंख्या की अगर हम देशों के राष्ट्रों के हिसाब से बात करें, तो जो 60% से अधिक ऊपर वाले हैं, जिनके अंदर 60% से अधिक जनसंख्या नगरों के अंदर निवास करती है, जो जैसे मान लो कोई राष्ट्र है और उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या 100% है, जो जनसंख्या उस 100% का अगर मान लो जैसे 100 व्यक्ति हैं, तो उनमें से 60 व्यक्ति नगरों में रह रहे हैं, ऐसे देशों के नाम बताऊं, बताओ, ये प्रश्न आएगा आपके, पूछ सकते हैं कि 60% से अधिक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नंबर एक पे आता है सबसे बड़ा, जो वो है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित हैं, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना और यूरोप के अधिकांश देश इस क्षेत्र में शामिल करते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीज़ याद रखना, USA, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना और यूरोप के अधिकांश राष्ट्र 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करने वाले राष्ट्र हैं। अब 40 से 60% तक, ये 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, ऐसे देश कौन कौन से हैं जो 40 से 60% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या लिए हुए हैं, जिनके अंदर 50% भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 60 से नीचे नीचे है, ऊपर नहीं है, 60 से ऊपर वाले तो फिर वो आ गए ना जो मैंने पहले बताए, जो अत्यधिक नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। अब ऐसे देश कौन से हैं जो 60% तक हैं, 40 से 60% तक, है ना, वो है चीन, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, है ना, ये जो वेनेजुएला है और मिस्र है ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्व भाग के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यूबा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे हैं, जमैको, हेती, ये कौन से देश हैं, कहाँ मिलेंगे, अंद महासागर के अंदर जहाँ वेस्ट इंडीज का पार्ट मिलता है, वेस्ट इंडीज जो है वो कोई एक देश का नाम नहीं कह सकते हम लोग, वो अलग अलग देशों का एक समूह है वेस्ट इंडीज, ये ध्यान रखना। वेस्ट इंडीज जो देश देखते हो आप विश्व मानचित्र में, अगर आप सीधा देखना चाहो कि कोई देश मिलेगा क्या, तो वैसे नहीं मिलेगा, अंद महासागर के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं उनके ऊपर छोटे छोटे देश हैं, उनको इकट्ठा करके द्वीप समूहों का जो एक समूह बनाया गया है उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, और उसमें 40 से 60% वाले जमैका और हेती, ये दो राष्ट्र हैं जो वेस्ट इंडीज का पार्ट हैं, जो 40 से 60% नगरीय जनसंख्या लिए हुए हैं। अब यहाँ एक सोचनीय विषय है
कि इन 40% से कम वाले राष्ट्र भी हैं, 40% से कम वाले राष्ट्र भी हैं जो विश्व की अपने नगरीय जनसंख्या कम लिए हुए हैं। वो देश कौन से हैं? जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग अधिकांश देश जो इस क्षेत्र के अंदर शामिल होते हैं। अब वो 40% से भी कम वाले हैं जिनमें 20%, 30%, 15%, 10%, 5%, है ना, 35% या 40% जनसंख्या जो है वो कहाँ, नगरों में निवास करती है, बाकी और सारी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली हैं, जो एशिया के महाद्वीप के आगे अधिकांश देश तो और अफ्रीका महाद्वीप के लगभग सभी देश इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अब अगर हम एक बात करें, ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि जहां शिक्षा, औद्योगिक विकास, है ना, जहां तीव्र गति से हो गया शिक्षा, औद्योगिक विकास और पर्याप्त मात्रा में संसाधन और उन संसाधन का उपयोग, टेक्निक, टेक्नोलॉजी या विज्ञान कह सकते हैं, विज्ञान जहां तीव्र गति से विकसित हो गया, ऐसे क्षेत्रों के अंदर नगरीय जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी, जहां नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। यहां अब आपके काम करने लायक एक बात है कि अगर आपको यूं कह दें कि विश्व के जो जनसंख्या का संगठन है, जो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है, उसको अगर आपको विश्व मानचित्र में प्रदर्शित करना हो तो कैसे करोगे? क्या आप लोगों के पास में, सभी के पास में विश्व का मानचित्र है? नंबर एक। दूसरी बात, विश्व का मानचित्र है तो किस प्रकार का मानचित्र है आपके पास में? राजनीतिक है, प्राकृतिक है? ये बात, दूसरी बात बड़ी अहम है। फिर अगर आपके पास में राजनीतिक मानचित्र है तो बहुत अच्छी बात है, और वो भी आपके पास में उस मानचित्र के अंदर सभी देशों के नाम लिखे हुए हैं, प्रिंट आता है, वो बड़ा मानचित्र है। और फिर आपके पास में खाली, जिसके अंदर सिर्फ राजनीतिक मानचित्र होता है, सिर्फ उसमें बाउंड्री बनी होती है कि ये देश, ये देश, ये देश, और उनमें अपने आप भरना होता है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कॉपी पेन लेकर के या मानचित्र लेकर के और सामने विश्व का मानचित्र रख करके उसमें अलग अलग देशों को भर करके देखा हो? ऐसे कितने कितने बच्चे हैं? नहीं, है ना। तो ये बहुत एक बुरी बात है कि आप लोग अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे, अगर आप इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बहुत गलत बात है। आपको विश्व का मानचित्र बनाना आना चाहिए और उसमें आपको ये प्रदर्शित करना आना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ में विश्व का मानचित्र बनाएंगे और उसमें अपने प्रदर्शित भी करेंगे। क्या प्रदर्शित करेंगे? विश्व का मानचित्र बनाते हैं अपने पहले, ठीक है, मेरे साथ में बनाइए इस प्रकार से। क्या बात, छोटा सा मानचित्र बनाएंगे अपने और उसमें अपने दिखाएंगे। छोटा सा ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से बिल्कुल ढीले हाथ से आप इस प्रकार से बनाइएगा। इस प्रकार से, ठीक है, बढ़िया सा मानचित्र आप लोग बनाइएगा। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बन गया। अब अपने अफ्रीका महाद्वीप भी बना देते हैं। ये अपना अफ्रीका महाद्वीप बन गया। ये भारत वाला आ गया।
इंडोनेशिया वाला पार्ट आ गया ना। बिल्कुल, आप अगर 5-7 बार 10 बार ट्राई करोगे ना इस तरह से बनाने की, तो आप बहुत अच्छा मानचित्र बनाना सीख सकते हो। आप सीख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये अपना विश्व का मानचित्र बन गया, जिसमें अपने को विश्व में अधिकतम जो नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं उनको अपने भरना है। तो सबसे पहले अपने 60% से ऊपर जो नगरीय जनसंख्या लिए हुए हैं वो राष्ट्र कौन से हैं, तो देखिए ये आ गया अपना यूएसए, ये वाला, ठीक है ना, यूएसए का। और ये आ गया कनाडा, और यूएस के नीचे फिर मेक्सिको आ जाता है, ये आ गया है ना, और मेक्सिको। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा महाद्वीप ही सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला, इसमें अत्यधिक नगरीय जनसंख्या, जिसमें 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब जी अपने अन्य देशों की बात करते हैं, यूएसए आ गया, कनाडा आ गया, मेक्सिको आ गया, ब्राजील। ब्राजील मैंने आपको एक दिन बताया था कि दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील एक ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप के ऊपर जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के साथ में, सभी के साथ में सीमा बनाता है, मात्र दो को छोड़ करके, ठीक है ना, इक्वेडोर और चिली, दो को छोड़ करके बाकी सभी के साथ में सीमा बनाता है। तो ये जैसे ये आ गया ब्राजील अब, है ना, और इस ब्राजील वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ अपने ये से भर सकते हैं, भर सकते हैं। ये कौन सा 60% से अधिक जिसमें जनसंख्या कहाँ रहती है, नगरों के अंदर रहती है, ब्राजील आ गया। ऑस्ट्रेलिया ये आप देख ही रहे हैं, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, है ना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इसके पास में है, ये रहा, है ना। जापान आपको बताया था द्वीपों का देश, भूकंपों का देश, सूर्योदय वाला देश, है ना, ये वाला। और सिंगापुर, सिंगापुर इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से आ जाता है, सिंगापुर, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इसके साथ में उल्टा त्रिभुज बनाता हुआ ये वाला भाग आएगा, इसके साथ में यहाँ पर फैला हुआ ये वाला भाग, उसके बाद में यूरोप के अधिकांश राष्ट्र जो विकसित हैं तो यूरोप का ये भाग आ गया, ये भाग आ गया, और रूस को इसमें शामिल करते हैं, रूस सहित यूरोप का ये भाग तो उसमें आएगा। ये हो गया, तो यहां पर अपने अब इंडेक्स बनाएंगे,
इंडेक्स के अंदर लिखेंगे, चले लिखेंगे संसार। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अब यहां लिखेंगे संकेत, संकेत में पहले ये लिखेंगे 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश या राष्ट्र, ठीक है, कह सकते हैं। क्या कर दो, जैसे आपको बताया था राष्ट्र में और देश में अंतर क्या है, पहले बेस में बताया था ना, वही अगर हम कॉमन बात करेंगे राष्ट्र या क्षेत्र कह सकते हैं। अब इसको हमने कैसे भरा, ऐसे भरा इस क्षेत्र। अब अपने 40 से 60% वाले, तो नंबर एक पे आता है जैसे ये चीन, ये वाला भाग जो चीन का आ गया, मैंने काला ही पेन यूज कर लिया, मैं दूसरा पेन यूज कर देता हूँ, ये वाला जो भाग आ गया इनका कह सकते हैं यहाँ तक लग गया ये ना, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। थोड़ा सा नक्शे में इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये हाथ से कच्चा मानचित्र है, ये पक्का मानचित्र नहीं है। जब आपके पास में पक्का मानचित्र बना हुआ हो तो उसमें बिल्कुल आप एकदम सही भरेंगे, ठीक है ना, कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे। चीन आ गया, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आ गया इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का ये भाग आ गया है ना, जिसके अंदर आप ये शामिल करोगे। और उसके बाद में अपने दक्षिण अफ्रीका आ गया, मिश्र आ गया, मिश्र में जो ऐसे ऊपर वाला ये भाग आप कर सकते हैं ना, पहला भाग। और उसके बाद में आपके जो 40 से 60% वाले हैं जैसे इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, वेनेजुएला, क्यूबा, क्यूबा में ये कर सकते हो आप लोग, है ना, और जमैका और हेती जो यहाँ पर इस स्थान पर आपके अंध महासागर के अंदर अफ्रीका महाद्वीप वाला क्षेत्र आएगा उसमें आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे कौन से हैं, इसका आप इंडेक्स बनाओगे तो आपके सामने ये आएगा इस प्रकार से, और यहाँ लिख दो 40 से 60% ऊपर वाली बात पूरी पूरी, ठीक है, और इसमें इंडेक्स इस तरह से भर दो अलग रंग से, क्योंकि अलग रंग है इसलिए हमने एक जैसे इंडेक्स रख दिए, और अगर वो होता तो हम वो कर देते। अब जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अब ये भारत है, पाकिस्तान है, ये इधर वाले जो अरब देश आ गए है ना, जो बाकी हिस्सा बच गया, अब बांग्लादेश है, नेपाल है, ये जो हिस्सा बच गया अपना है ना, इसका अधिकांश भाग जो बच गया वो सारा ये वाला जो भाग बच गया, और इसका अफ्रीका महाद्वीप का ये जो भाग बच गया, ये सारा ऐसे क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है ये वाला। और इसमें दक्षिणी अमेरिका के अंदर जैसे कुछ भाग ये वाला, तो इस प्रकार का है ये सारा का सारा इंडेक्स। जब हम बनाएंगे तो के अंदर भरेंगे 40% से कम जनसंख्या वाले जो राष्ट्र हैं वो ऐसे क्षेत्र में शामिल करेंगे। इस प्रकार से हम विश्व का मानचित्र बना करके अगर हम याद करेंगे तो एक पिक्चर की तरह हो जाएगा, जैसे आप मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो और उसके सामने आप आधा घंटा घंटा बैठे रहते हो और कभी नहीं भूलते ना, वैसे ही इसकी पिक्चर बना लो तो फिर आप जिंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं, बाद में आपकी ये समस्या नहीं आएगी कि हम भूल गए या हमें याद नहीं रह रहा है ना, ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल विश्व के खाली मानचित्र जिसमें पूरी बाउंड्री बनी हुई हो, राजनीतिक मानचित्र हो, आउटलाइन नहीं हो अकेली, वो रखें और उसके अंदर आप लगातार आप इस प्रकार से ये चीज़ें नोट करके रखें और उसके अंदर कंटिन्यू आप इस तरह से भरोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये था जनसंख्या का संगठन, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात, जो आपने बखूबी समझा। थैंक यू।